खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर हिंसा के विरोध में कानपुर के बड़े चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी नेता नौशाद आलम मंसूरी का कहना है कि लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई है। उनका कहना है कि किस इंसान को कुचला जा सकता है लेकिन आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने मांग की है कि लखीमपुर के डीएम और डीजीपी को बर्खास्त किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करके तुरंत जेल में डालना चाहिए। उनका कहना है कि जिनको गिरफ्तार करना था उनकी खातिरदारी की जा रही है। प्रियंका को गिरफ्तार कर उनके साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि किसान 11 महीनों से मांग कर रही है लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना करती चली आ रही है। इसलिए कानपुर में अगर कोई मंत्री आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। ये धरना है और यहाँ एक एक कांग्रेस जन जिस तरीके से किसानों की हत्या की है, इस सरकार ने अपने मंत्री के पुत्र के माध्यम से कार चढ़ाकर इंसान को कुचला जा सकता है लेकिन आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। डीएम और डीजीपी को बर्खास्त किया जाए, केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर तुरंत जेल में डाला जाए गिरफ्तारी करके। ये कांग्रेस जनों की मांग है। जिनको गिरफ्तार करना था उनको अच्छा खाना खिला रही है सरकार। और हमारी नेता प्रियंका गांधी किसानों को न्याय के लिए लखीमपुर जा रही थी, उनको रास्ते में गिरफ्तार करके अभद्र व्यवहार किया। उनके साथ पुलिस जो थी, पुरुष पुलिस, उसने धक्का मुक्की की बिना वारंट के। 144 लागू थी। प्रियंका जी कह रही हम दो लोग तीन लोग जा रहे हैं, बोला तो कि सरकार में मंत्री को बर्खास्त कीजिए, उसके पुत्र को गिरफ्तार कीजिए, डीजीपी और डीआईजी को बर्खास्त कीजिए। और क्या मांग है किसानों की? 11 महीने से जो मांग है उस मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो कानपुर नहीं, देश का एक एक नागरिक अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मंत्रियों का घेराव करेगा, सांसदों का घेराव करेगा। कानपुर में कोई मंत्री आएगा तो हम उसका काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करेंगे। करानी है कितनी हत्याएं करा ले। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।